हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका अपने चैनल इजी ऑफ इंस्टीट्यूट बीकेसर में। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास टेंथ के मैथ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीखने वाला है, ट्रायंगल से, त्रिभुज से। तो चलिए शुरू से लेकर के लास्ट तक मैं आपको तीन चार क्वेश्चन सॉल्व करके बताने वाला हूँ, जिससे आपको इस चैप्टर के सारे कन्फ्यूज दूर हो जाएंगे और आप आसानी से इस चैप्टर को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि हमारे सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गाइस, हमने बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा है और ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बताऊँगा, जिससे आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद लास्ट में पहला हमारा क्वेश्चन क्या करा है कि नीचे के प्रत्येक चित्र में, यानी कि ए बी सी में, एक्स का मान निकालना है यदि डी ई पैरलर है बी सी के। ठीक है, तो डी ई पैरलर है बी सी के, इसका मतलब क्या होता है कि डी ई बी सी के बराबर है, यानी कि ये भुजा जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा ये भी होगा। ठीक है, इसमें थेल्स प्रमेय का इस्तेमाल करना है। थेल्स नामक एक साइंटिस्ट थे, आज से लगभग 600 ईसा पूर्व पहले, तो उनका नाम था थेल्स। ठीक ना, तो उस साइंटिस्ट ने इसका इजाद किया, इस फॉर्मूला का। वो कहते थे कि त्रिभुज का कोई भी एक ही अंदर में, किसी भी त्रिभुज के एंगल अगर अंदर है तो वो सेम ही होगा, त्रिभुज का आकार और क्षेत्रफल बराबर ही होगा, चाहे वो किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो। तो इसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे, सो देखिए। तो थेल्स प्रमेय में एक फॉर्मूला बनाया गया इसको सॉल्व करने के लिए, सूत्र। ठीक है, इस सूत्र में बनाया क्या गया कि फॉर्मूला इसका हो गया मेन ए डी अब बाई डी बी इज कल टू ए ई बटा ई सी। ये फॉर्मूला है, यानी कि ए डी और डी बी, ए ई और ई सी, यानी कि ये भुजा हमेशा इसके बराबर ही होगा, दोनों इक्वल होता है, इसका मतलब यही होता है। तो ए डी बटा डी बी, देखिए तो इस फॉर्मूला के हिसाब से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ए डी हमारा कितना यहाँ शो कर रहा है, एक्स, और बाई में डी बी कह रहा है, डी बी कितना शो कर रहा है, 16 इज कल टू ए ई बटा ई सी, ए ई है हमारा 34 एंड ई सी है 7। ठीक है, ये देखिए हम फॉर्मूला के हिसाब से इसको बिठा लिए। अब हमको क्या करना है कि इसको सॉल्व करना है। आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले यहीं पे आप इसको काट सकते हैं, जैसे बटाबर के गुना बनाते हैं वैसे, या फिर आप इसको बाद में भी कर सकते हैं। चलिए हम पहले यहीं काट लेते हैं, 17 1 जा 17 17 2 जा 34। ठीक है, 17 एकम 17 17 दूना 34, ये हो गया, यहाँ ऊपर 2 नीचे 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, क्रॉस एक्स में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, एक्स ही हो जाएगा, इसकल टू 16 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 में 2 से, तो 16 दूना 32। यानी कि इस फिगर में आपका एक्स का मान कितना आया, 32, यानी कि यहाँ पर 32 होगा, ये एंगल ए डी 32 हो जाएगा। आई होप आपको यह समझ में आया होगा। चलिए, कुछ कन्फ्यूजन रह गया होगा तो वो इसमें क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे पहले देखिए कि ए डी एक्स पता है, डी बी एक्स प्लस 7 पता है, ए ई 9 पता है, ई सी नहीं पता है, लेकिन आपको ए से सी के दूरी पता है कि 21 है, यहाँ पे 21 दिया हुआ है। तो ए सी जब 21 है, ए ई 9 दिया हुआ है, तो ई सी हम आराम से निकाल सकते हैं। तो ए सी सॉरी ई सी निकालने के लिए, इसी निकालने के लिए क्या होगा कि एसी में से एई घटाना पड़ेगा, एसी माइनस एई करना पड़ेगा। एसी है आपका 21, इसमें से 9 घटा दिए तो कितना हो जाएगा, 11 में से 9 गया 2 एक 12, यानी कि हो गया आपका 12। ठीक है, इसी पता चल गया आपको 12। जो आप फॉर्मूला पे बना रहे हैं, जो इसका थेल्स का फॉर्मूला होता है, उसी पे इसको फिट करेंगे। होता क्या है इसका, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए बाई ई सी। ठीक है, डी बी हमारा कितना है, सॉरी ए डी कितना है, एक्स, और डी बी कितना है, एक्स प्लस 7 बराबर, ए कितना है, 9, और ई सी कितना है, 12। अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करने में हमको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पे कट रहा है तो काट सकते हैं आप, 3 3 9 3 4 12, 3/4 बच गया, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 से x में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू 3 से x में गुना करेंगे तो 3x, अब प्लस का सिंबल है तो प्लस, 3 से 7 में गुना करेंगे तो 7 या 21।
ठीक है। यहाँ पे देखिए एक एक्स का मान इधर है, एक एक्स का इधर है, तो दोनों को इक्वल कर लेंगे, इधर ले आएंगे, तो जब आप फोर एक्स है, थ्री एक्स इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू 21। फोर एक्स में से थ्री एक्स घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, वन एक्स, यानी कि सिर्फ एक्स बचेगा, एक्स इज इक्वल टू 21। यहाँ पे एक्स का मान 21 आ गया, ठीक है। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अब चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है, ए डी एक्स है, डी बी 7.2 है, ए ई 1.8 है और ई सी 5.4 है। तो कुछ नहीं, इसमें भी हमको वही थेल्स का फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला क्या होता है, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, ठीक है। ए डी है एक्स और डी बी है कितना, 7.2, इज इक्वल टू ए ई है 1.8 और ई सी है 5.4, ठीक है। अब बस इसको सॉल्व करना है, सॉल्व क्या करना है, सो देखिए आप अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए या काटने के बाद, ठीक है। तो हम इसको यहीं पे कर लेते हैं, 18 3 54, ये कट गया 3 मरतबे, ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है मान के चलिए, ठीक है। अब x से 3 में गुना करेंगे तो 3x, अब 1 से 7.2 में गुना करेंगे तो 7.2 हो जाएगा, अब x इज इक्वल टू छाटेंगे तो 7.2 ये 3 इधर बटा में। अब इसको काटेंगे, 3 × 2 = 6, ये 7 है, एक इस पे आ गया, 3 × 4 = 12, यानी कि 2.4, एक्स इजकल टू हो गया 2.4, यानी कि इसमें एक्स के जगह पे हो जाएगा 2.4। आई होप आपको ये सारे तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे अच्छे से। अब हमारा इम्पोर्टेंट और लास्ट वाला, इस क्वेश्चन को करते हैं तो फिर इस चैप्टर के आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं बचेगा उसमें। तो चलिए हम उस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे, तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। और उसी फॉर्मूला पे ये भी सॉल्व होगा, सूत्र क्या होता है इसका, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, ठीक है। आपका ए डी है एक्स प्लस 7 एंड डी बी है कितना, एक्स माइनस 8। ए ई, ए ई नहीं पता है, पूरा पता है ए सी, ठीक है। ए सी है आपका एक्स प्लस 3, इसमें से घटाएंगे ई सी तो हमारा आंसर आ जाएगा बाई 2, ठीक है। अब देखिए एक्स प्लस 7 और एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 3 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, 2 से इसमें गुना करेंगे 2x प्लस 14 बराबर, एक्स से पहले इसमें गुना करेंगे तो 2x, ठीक है, एक्स में एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2x, एक्स में एक्स, एक्स स्क्वायर करते हैं इसको, एक्स स्क्वायर एंड एक्स से 8 में गुना करेंगे तो 8x प्लस 1 से एक्स में गुना करेंगे तो एक्स एंड 1 से 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8। चलिए अब सारे क्वेश्चन को, सारे x वाले को एक साथ मिला के देखते हैं, ठीक है। पहले हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 14 माइनस 8, ठीक है, कुछ नहीं है इधर तो इस कल टू में 0। चलिए बना के देखते हैं, एंड माइनस माइनस प्लस और 8 × 2 = 10, 10 में से x घट गया तो 9x, एक्स स्क्वायर माइनस 9x, ठीक है, 9x और 14 और 8, यहाँ पे माइनस में 8 है तो यहाँ प्लस में हो जाएगा, तो 14 8 22 कितना हो जाएगा, 22, 14 8 22, तो प्लस 22, इसका टू में कुछ नहीं है तो 0। अब यहाँ से ये समीकरण के फॉर्म में हो गया, देख गुणनखंड के फॉर्म में, जैसे हम लोग गुणनखंड बनाते हैं वैसे, 9x + 22, ठीक है। अब ये गुणनखंड के फॉर्म में है तो आप आराम से जैसे गुणनखंड बनाते हैं वैसे बनाइए, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x का गुणनखंड करते हैं तो हो जाएगा कितना, प्लस 11x और माइनस 11x प्लस 2x, ठीक है, 11 में से 2 घट जाएगा तो 9 हो जाएगा, 11 × 2 = 22 भी हो जाएगा, ये इक्वेशन हमारा सॉल्व हो गया। अब चलिए एक्स स्क्वायर है तो इसमें एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 11 एंड प्लस 2 कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस, प्लस माइनस माइनस इसके लिए माइनस 11 इक्वल टू 0। अब हमारा आंसर हो गया एक्स प्लस 2 एंड एक्स माइनस
11 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ तक जो बना लिए सो, उसके बाद यहाँ से गुणनखंड करना है और कोई बात नहीं। चलिए तो x प्लस 2 बराबर 0 और इधर x माइनस 11 बराबर 0। ठीक है, तो देखिए x बराबर छाटेंगे 0 में से क्या इधर तो माइनस 2, ठीक है, और इधर x बराबर 0 माइनस 11 तो प्लस 11, यही हो गया आपका x का मान। तो ये माइनस में तो होगा नहीं, प्लस में होगा, इसलिए आपका आंसर x बराबर 11 होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, नहीं होगा तो आप रिपीट करके फिर से देख लीजिए, ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप समझ जाएंगे तो सारे क्वेश्चन आप बना सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक।